अपने आप को स्पेशल समझो, क्योंकि खुदा कुछ भी फालतू नहीं बनाते। खुदा ने बहुत सी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, उसमें एक हमारी दिमाग भी है, बस उसे यूज़ करने के लिए बता देते तो हम भी करोड़पति बन जाते। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बने रहेगा। लोग क्या कहते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखते, है ना? लेकिन आप क्या करते हैं आपके लिए खास होनी चाहिए। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी लोग आपको हराने की इंतजार कर रहे हो। इसलिए जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए। आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। एक सच्ची बात बताऊँ, खदर कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाह रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा होते हैं। जब सब कुछ आपके खिलाफ होगा, अंदर से टूटने लगोगे आप, बहुत ही बुरी सिचुएशन होगी आपके जीवन में, उसके बाद भी आप में बहुत हिम्मत हो तो समझ जाना कि शुरुआत हो चुकी है आपके सफल होने की। और एक बात कहूँ, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जैसे कि किसी की नज़र में अच्छी हूँ, किसी की नज़र में बुरी हूँ। हकीकत तो ये है कि जो जैसे है उनकी नज़र में वैसी हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। जो इंसान आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे वो आपसे रोज़ लड़ेंगे, लेकिन जब आपकी एक आंसू गिरे तो उसे रोकने के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ेंगे। फिक्र में रहोगे तो खुद जल जाओगे, बेफिक्री से रहोगे तो दुनिया जलेगी आपसे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लिए तो जीत होगी आपकी। इसलिए भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पे रखे तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखते, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। खुद को समझना दूसरों को समझाने से कई गुण बेहतर है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करती हैं, इंसान की असलियत तो वक्त ही बताती है। लोग दिखावे के दीवाने हैं और हम है कि सच्चाई मुंह पर बोल देते हैं। पीठ पीछे कौन क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना काफी है। इसलिए कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ।